60 के दशक में जब अमेरिका और सोवियत संघ में स्पेस प्रोग्राम की रेस स्टार्ट हुई, भारत रॉकेट लॉन्च की टेस्टिंग कर रहा था और सिर्फ 55 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही रॉकेट भेजने में सफल हो पाया था। फिर 1962 में द इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी कि INCOSPAR की स्थापना हुई। 1968 में INCOSPAR बना इसरो और इसी के साथ शुरू हुआ भारत का स्पेस अभियान, जिसका उद्देश्य था भारत का अपना उपग्रह लॉन्च करना। शुरुआत आसान नहीं थी, सैटेलाइट कैसे बने ये तो सवाल था ही, लेकिन साथ में ये भी सवाल था कि ये सैटेलाइट लॉन्च कैसे होगा, क्योंकि तब भारत के पास अपना लॉन्च व्हीकल नहीं था। डॉक्टर होमी जागीर भाभा कहा करते थे कि जब अमेरिका ने अपने परमाणु प्रोग्राम की शुरुआत की तो सिर्फ चंद टीन शेड थे, बड़ी बिल्डिंग और बाकी फैसिलिटीज तो बाद में मिली। अगर सारी सुविधाओं का इंतजार करते रहोगे तो काम कभी शुरू ही नहीं हो पाएगा। आर्यभट्ट के बनने की कहानी शुरू होती है 1968 में विक्रम साराभाई से, जो कि भारतीय स्पेस प्रोग्राम के जनक माने जाते हैं। उन्होंने अपने वैज्ञानिकों में से एक उडुपी रामचंद्रा राव को एक स्वदेशी उपग्रह बनाने का काम सौंपा। उपग्रह बनाने का काम राव को सौंपने के पीछे एक वजह यह भी थी कि सिर्फ वो अकेले ही ऐसे भारतीय थे जिन्होंने कि नासा के दो सैटेलाइट प्रोग्राम में काम किया हुआ था। 1969 में प्रोग्राम की लीडरशिप लेने के बाद राव ने इंजीनियर्स की एक टीम इकट्ठा की। शुरुआत में ये डिसाइड हुआ कि भारत अपना उपग्रह अमेरिकी रॉकेट स्काउट की मदद से लॉन्च करेगा और नासा तब इसके लिए राजी भी हो गया था। इसी के साथ ही राव और उनकी टीम सैटेलाइट बनाने की तैयारी में लग गई, लेकिन फिर सोवियत संघ ने मदद का हाथ बढ़ाया और भारत सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखा कि सोवियत संघ सैटेलाइट लॉन्च में भारत की मदद करना चाहता है। विक्रम साराभाई को जब ये बात पता चली तो वे एकदम से राजी हो गए। इसके एक महीने बाद भारतीय वैज्ञानिकों और सोवियत संघ के राजदूत निकोलाई के बीच मीटिंग्स हुई। ये सब कुछ चल ही रहा था तभी भारतीय मिशन को एक ऐसा झटका लगा जिसके बाद लगने लगा कि शायद भारत का स्पेस मिशन खटाई में पड़ सकता है। दिसंबर 1971 में विक्रम साराभाई की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है, जो कि इस मिशन के लिए बहुत बुरी खबर थी। साराभाई की मृत्यु के बाद MSG मेनन को इसरो का अंतरिम चीफ बनाया गया और फिर 1772 में सतीश धवन ने इसरो की जिम्मेदारी संभाली। सोवियत संघ भले ही सैटेलाइट को लॉन्च करने में हेल्प कर रहा था, पर सैटेलाइट को बनाने का जिम्मा भारत का ही था और इस मिशन के लिए करीब 3.5 करोड़ रुपए का बजट आ रहा था। तब भारत एक गरीब देश हुआ करता था, लेकिन भारत सरकार अपने एटॉमिक और स्पेस मिशन में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतना चाहती थी, इसलिए तब की इंदिरा गांधी सरकार ने तुरंत ही 3.5 करोड़ का बजट सैंक्शन करवाया। इसके बाद रूस और भारत के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ और सैटेलाइट बनाने का काम बैंगलोर के पास पीनिया से शुरू किया गया। पीनिया इंडस्ट्रियल एरिया में 4 शेड्स को साइट के तौर पर चुना गया। बैंगलोर में भारी बारिश के बीच में काम करना पड़ता था, कोई परमानेंट फैसिलिटी नहीं थी। डॉक्टर होमी जागीर भाभा कहा करते थे कि बिल्डिंग के इंतजार में जितना टाइम लगाओगे टेक्नोलॉजी तैयार करने में उतना ही वक्त बर्बाद होगा। टीम इसी मंत्र पर काम कर रही थी, जैसे तैसे जुगाड़ से सारी व्यवस्थाएं चल रही थी। इसके बाद कड़ी मेहनत से इसरो ने राव की लीडरशिप में उपग्रह को तैयार किया, जो कि 360 किलोग्राम वजनी था। मार्च 1975 में सैटेलाइट बनकर तैयार हो चुकी थी और अब बारी थी इस सैटेलाइट का नाम रखने की। इसके लिए 3 ऑप्शन सामने आए, मैत्री, आर्यभट्ट और जवाहर। इन तीनों में से इंदिरा गांधी ने आर्यभट्ट नाम को चुना, जो कि प्राचीन भारत के एक महान गणितज्ञ थे। लॉन्च की तारीख रखी गई 19 अप्रैल 1975। वोल्गोग्राद रशिया के नजदीक कपुस्निक यान कॉस्मोड्रोम से आर्यभट्ट उपग्रह को लॉन्च किया जाना था। उडुपी रामचंद्र राव और सतीश धवन सहित भारत के 30 वैज्ञानिक लॉन्च के लिए रशिया पहुंचे थे। बैंगलोर के ग्राउंड स्टेशन पर भी इसरो के वैज्ञानिकों का जमावड़ा लगा था और दोपहर 12 बजे काउंटडाउन 10 से शुरू होकर 1 तक पहुंचा। लॉन्च के 12 मिनट बाद रॉकेट अपनी यात्रा की लास्ट स्टेज शुरू करता है और कुछ ही देर में धरती से 600 किलोमीटर ऊपरी कक्षा में आर्यभट्ट को स्थापित कर देता है। जैसे ही आर्यभट्ट से पहला सिग्नल मिलता है, राव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी टीम के सभी लोगों को गले मिलकर बधाई देते हैं। भारत स्पेस में पहला कदम रख चुका था। हालांकि आर्यभट्ट केवल 4 दिन तक ही सिग्नल भेज पाया और उसके बाद उसने काम करना बंद कर दिया, लेकिन ये फेलियर नहीं था, एक लंबी सक्सेस की शुरुआत थी, जिसे अंजाम दिया उन हजारों वैज्ञानिकों ने जिनका नाम शायद हम नहीं जानते हों, लेकिन उनके मेहनत का फायदा हम आज तक जरूर उठा रहे हैं। जो राह आर्यभट्ट ने भारत को दिखाई, आज उस राह पर भारत लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और नई नई मंजिलें पा रहा है। इतिहास में आर्यभट्ट ने शून्य का महत्व बताकर भारत को प्रसिद्ध किया था, वही दूसरी ओर आज आर्यभट्ट उपग्रह ने अंतरिक्ष की यात्रा करके ये काम किया है। आर्यभट्ट उपग्रह के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।